जय श्री कृष्ण। जय माता जी की। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में करेले की सूखी भाजी। बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही सुपर बनती है। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, खाने में मजा आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने छोटे छोटे करेले लिए, अच्छे से वॉश कर लिए, पतली पतली चिप्स कर लूंगी। फिर नमक के पानी के अंदर डालेंगे, जो भी मसाला करेंगे वो आपको आगे दिखाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का, खाने में तो नंबर लगती है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। सबसे पहले मैं करेले को पतले पतले कट कर लूँगी। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हम बनाएंगे फटाफट। करेले कट करने के बाद आगे दिखाएंगे। देखिए, मैंने करेले इतने पतले पतले कट किए हैं, छिलका थोड़ा थोड़ा सा निकालना है ऊपर से हमें। मित्रों, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे प्लीज एक लाइक करना। देखिए, छिलका थोड़ा थोड़ा सा निकाला है मैंने, हो सके इतना पतला करना तो भाजी बहुत ही सुपर बनेगी। इसके अंदर जो जो आएगा वो भी आपको दिखाते, एकदम सिंपल, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा। प्लेट के अंदर डाल देंगे, नमक डालेंगे एक चम्मच, इतना हमें नमक डालना है। फिर 10 मिनट के बाद ये नमक में पानी में से ले लेंगे। 10 मिनट के अंदर पानी छूट जाएगा, इसके बाद अच्छे से निचोड़ के ले लेंगे। 10 मिनट हो चुका है और ये पानी हम अच्छे से निचोड़ देंगे। चूड़ने के पानी से हम पूरा ऐसे कर लेंगे। पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। एक बर्तन लेना है, तेल डालेंगे बड़ा, 2 चम्मच इतना हमने तेल डालना है। इसके अंदर तेल की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। बढ़िया सा तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डालूंगी जीरा, थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची है, टमाटर, करेले, अच्छे से करेले को पकाएंगे। हींग बाकी है, थोड़ी सी डालेंगे, कूटा हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, पांच मिनट तक कम आंच पे पकाएंगे। हल्दी डालने से बहुत ही सुपर ये रंग दिखता है और खाने में मजा आता है। जितना अच्छा देखा होता है इतना खाने में मजा आता है। एकदम अच्छे से पकने देंगे। ये आलू जाएगा, जो जो जाएगा वो आपको दिखाएंगे। बढ़िया सा करेला फ्राई हो चुके हैं, हम डाल देंगे आलू। आलू हम हाथ से मचड़ के डालेंगे। मसाला करेंगे वाली मिर्ची, आधी चम्मच, आधी चम्मच काश्मीरी, एक चुटकी हल्दी, हल्दी पहले डालिए और नमक स्वाद के हिसाब से डालिए। करेले हम नमक से धोए थे इसलिए। धनिया जीरा, हरा धनिया अच्छे से मिला दीजिए। देखिए, एकदम सुपर हमारे करेले की भाजी बिहारी स्टाइल में रेडी हो चुकी है। मित्रों, आप गर्मा गर्म रोटी बनाइए, आप पराठा बनाइए, आप खा सकते हो रोटी आप पराठा के साथ में। आज मेरे पास रोटी पराठा बनाने का टाइम नहीं है, तो मैंने चावल रखे पर बने नहीं है। तो देखिए, मैं चावल के साथ खाने वाली हूँ। चलिए, सर्व करते हैं सब्जी को। मसाला डालने के बाद
2 मिनट तक हमें मसाले को पकाना है। एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर सब्जी निकाल देंगे। हेल्दी और टेस्टी डिश बनके रेडी हो चुकी है। आप भी एक बार जरूर से बनाइए। हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक ओके बाय बाय।